नमस्कार दोस्तों, मैं अभय त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं एक ई लर्निंग यूट्यूब में। और कैसे हैं आप सब? आज की क्लास एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जैसे आप सबको पता है हमारी टीचिंग की सीरीज चल रही है, तो इसमें नया टॉपिक लेके आया हूं मैं, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव क्या है, क्या रोल निभाता है और कितना इम्पोर्टेंट, बारे में हम करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंडर्स। साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इसके बारे में, माइंड एंड बिहेवियर के बारे में, या लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, या बोथ ऑफ हो या नन ऑफ हो। साइकोलॉजी क्या है, इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड माइंड एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ विच डिसिप्लिन, तो किसकी है, इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिलोसफी। साइकोलॉजी किस ब्रांच है, फिलोसफी की ब्रांच है, फिलोसफी ब्रांच है, फिलोसफी। तो आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को आप अंडरलाइन करिए, नॉट इंपॉर्टेंट है, नॉट को देखिए, नॉट अ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी कौन सा नहीं है। तो पैरासाइकोलॉजी ये आपकी क्या है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में आता ही है, एजुकेशन साइकोलॉजी भी आती है, क्रिमिनल साइकोलॉजी भी आती है, फोरेंसिक साइंस है, आप सबको क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एजुकेशन साइकोलॉजी डील कहता है विद अमंग द फॉलोइंग, एजुकेशनल साइकोलॉजी है जो शिक्षण शास्त्र है वो किससे डील करता है, लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल कि बच्चा कैसे सीख रहा है, ठीक है, के बारे में, साइकोलॉजिकल इशू ऑफ स्टूडेंट, बच्चे के साथ क्या साइकोलॉजिकल है वो, ठीक है, एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट, बच्चे को कैसा कैसे पढ़ाया जाए और कैसे ट्रेन किया जाए, इसके बारे में है एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टडी फर्स्ट अबाउट प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच के बारे में किसने बताया था, फर्स्ट स्टडी अबाउट प्राइवेट दी थी, ए वाइगोत्स्की, ठीक, आप सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर अफेक्टेड बाय द हेरिडिटी, हेरिडिटी से क्या
आइज कलर ऑफ, बिल्कुल हेरिडिटी जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। बच्चे की आंख का कलर कैसा होगा वो पेरेंट्स की आंखों के कलर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या है, हेयर कलर एंड टेक्सचर्स, ठीक है, स्किन टोन, ये सारी चीज क्या है, हेरिडिटी से अफेक्टेड होती हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द एबो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, क्या है, नहीं है, क्या नहीं है, एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अकोमोडेशन क्या इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, एसिमिलेशन भी है, इमेजिनेशन भी है, हम सोचते भी तो इंटरनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है। क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज, ये सारे क्या हैं आपके, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है। तो इनमें में से कोई भी नहीं है जिसको हम बाहर कर सकें कि ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल कौन कौन से हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर, ये सब किस में आते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू RCI, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर, माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन सा होता है, माइंड मास्टर और माइंड मैपर, तो क्या हो जाएगा, बोथ, ए एंड बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 10th क्वेश्चन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग, मॉरल रीजनिंग का लेवल नहीं है, कितने लेवल दिए थे कोलबर्ग ने, 6 लेवल्स, कितने लेवल दिए थे, 6, ठीक है, 6 लेवल्स दिए थे, ठीक। अब तो इनमें से प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल है, ठीक है, कन्वेंशनल मोरालिटी है, पास्ट कन्वेंशनल नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ CRE, आरई पॉइंट आप सब ले रहे होंगे जो भी स्पेशल एजुकेटर हैं, 5 साल में 100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन, कि आप कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ LRE, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एजुकेशन, क्या है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में सीखने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबसे कम रिस्ट्रिक्शन आए, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द US फेडरल लॉ 2001, तो क्या है, NCVL है, ठीक है, NCVL है, ठीक है। NCVL की फुल फॉर्म क्या है, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, है? तो यूएस फेडरल लॉ 2001 क्या कहता है, किस बात पे जोर देता है, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, कोई बच्चा छूट ना जाए, है? चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो डिसेबल ना हो, है? SLD इन फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, ये क्या है, SLD का मतलब होता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी,
स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, कि लर्निंग में ही डिसेबिलिटी स्पेसिफिक ही किसमें है, लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इज स्लैश आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेरिबेलम सेरिबेलम, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। सेरिबेलम हमें क्या करने में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन करने में और बैलेंसिंग करने में। क्या ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसको डायरेक्ट ही आप याद करिए, और आप सभी के लिए NIOS की NIS BSSSB हिंदी मीडियम की जल्दी ही जो आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और आप लोगों से आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगी, और आप लोग जब देखेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और मेरे ज्ञान में भी, साथ ही साथ आप लोगों को करवा समय, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ जनरेट क्रिएटिव आइडिया बाय एक्सप्लोरिंग मेथड मोर देन वन सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढना कौन सी थिंकिंग में आता है, प्रॉब्लम है उसकी मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढेंगे तो डाइवर्जेंट थिंकिंग आता है, क्या आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है, आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। आप सबको क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग थिंग डज नॉट रिक्वायर, डज नॉट, नॉट आते ही आप पहले अंडरलाइन कर लो, नॉट आते ही क्या करोगे भाई, नॉट आते ही क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, नॉट, नॉट ने अच्छे खासे बच्चों के दो तीन नंबर माइनस में करवाता है, ठीक है, अगर आपने दो क्वेश्चन ही गलत कर दिए तो आपके तीन माइनस हो गए, तीन नंबर कम हो गए, तीन नंबर बच्चे एक एक नंबर से रह जाते हैं, ठीक है। ओह देखिए क्या है, नॉट रिक्वायर्ड कंपेरेटिवली मच क्रिएटिविटी, ज़्यादा क्रिएटिविटी क्या नहीं, कौन सी थिंकिंग नहीं आम थी, कन्वर्जेंट थिंकिंग ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं मांग, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एस आर द टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइप कौन सा है, सेगमेंटिक, कौन सा है, सेगमेंटिक एंड प्रोसीडरल मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीडरल मेमोरी, अभी आपको बताया है लॉन्ग टर्म मेमोरी को का ही एक टाइप है, तो क्या हो जाएगा, टाइंग सूज, ठीक है, सूज को बांधना, ठीक है, और क्या है, राइडिंग अ बाइक, ये सब क्या है, परमानेंट मेमोरी है, प्रोसीडरल मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आते हैं, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हो जाए। Forgetting, who discovered forgetting curve? इसने discover किया था forgetting curve? Herman ने, किसने किया था, Herman ने, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।